हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। एएफसी चैंपियंस लीग टू लीग का मैच हो रहा है जेनबक ह्युंडई वर्सेस एमयूए के बीच 1:30 बजे। एंड बात करें, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसा है कि ना एएफसी लीग के अंदर जेनबक टीम जो है वो कोरिया की टीम है, ठीक है, और एमयूए का ज़िंदगी में आपने इनकी लीग का मैच खेला ही नहीं होगा। वो अगर आपने खेला भी होगा तो वो एएफसी चैंपियंस के बदौलत खेला होगा, और जेनबक टीम के बहुत मैच आपने खेले हैं, क्योंकि पहले दोपहर में ये लोग ड्रीम इलेवन वाले कोरियन लीग ऐड करते थे जिसमें हम बहुत मैच कवर करते थे। तो मैंने पिछले साल से ये छोड़ दिया था कोरियन मैच कवर करना, लेकिन अब क्या है कि ये तो है कोरियन लीग की टीम, लेकिन ये मैं चैंपियंस लीग ज़रूर कवर करता हूँ, तो ये मैं जेनबक का साथ दूंगा। तो मैं एनालाइज़ कर रहा था, तो मेरे को इस मैच में बहुत टाइम लगा है भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा आपको, बहुत टाइम लगा इस मैच को एनालाइज़ करने में, क्योंकि मैं जेनबक टीम के कई नए प्लेयर्स आए हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं था, तो उनके बारे में रिसर्च करना वगैरह थोड़ा टाइम लगा। तो इसी बात पे भाई लाइक कर देना नीचे वीडियो। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, तो देखिए इनके ना बहुत आपको नए प्लेयर देखने को मिलेंगे, हालांकि जो इनके पुराने प्लेयर थे लाइक एस्मिन केओ वगैरह, इनको मैं जानता था क्योंकि मैंने इनको देखा है। मैंने एस्मिन केओ का अभी एक मैच हुआ था, लास्ट थर्ड मैच जो था इसका सेकेंड लीग में, वहाँ पर एस्मिन की का एक गोल भी आया था। लेकिन इनके आजकल मेन प्लेयर में एच रोड्रिगो का नाम बहुत उछल रहा है, हर्नांडिस इसका नाम है, और पी जय यंग की बात करें तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ना इनके प्राइमरी प्लेयर्स हैं। प्राइमरी का मतलब होता है गाइज ज़रूरी, जिसको हम प्राइमरी शब्द को हम बोलते हैं कि मेरी नज़र में प्राइमरी शब्द का मतलब है ज़रूरी खिलाड़ी, जो शुरुआती हम लेते हैं, तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो वो बड़ी कमज़ोर टीम है, मतलब मैं कहता हूँ अगर एमयूए यहाँ पर जीत तो सकती नहीं, अगर यहाँ पर एमयूए टीम एक गोल भी कर जाती है ना तो बहुत बड़ी बात है, मैं ये कहूँगा। इसलिए मैं चुपचाप अल्जीरिया के साथ जा रहा हूँ। मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है एंड्रिगो, और एंड्रिगो एक मेन असिस्टर है जेएनबी टीम का, हालांकि असिस्टर मतलब ये होता है कि असिस्ट करना, और ए ओलिविया असिस्ट में माहिर है, अगर असिस्ट करेगा तभी तो गोल होगा यार, सीधी बात है, और ये असिस्ट नहीं करेगा तो गोल होगा नहीं, क्योंकि ये मेन असिस्टर है, बाकी भी अच्छे खेलते हैं लेकिन दिस इज़ मेन। उसके बाद लोग तो भाई ली योंग के साथ जाएंगे, लेकिन मेरा मन एमसियन मिन के साथ है, मेरा जो मन कह रहा है कि मेरे को रिस्क लेना चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि ना गोल्स आ सकते हैं, क्योंकि जेएनबी टीम इतनी बुरी टीम है नहीं। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में लूँगा पहला प्लेयर जॉन पैट्रिक स्ट्रॉस, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर है पी थॉट सेनेट, ठीक है। एंड डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर टी किम के बाद एच जियंग हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्लेयर है। इनका एक प्लेयर है जे इक ली, ये बंदा थर्ड डिफेंडिंग कर रहा है, लेकिन मेरे को चौथा डिफेंडर चाहिए, और चौथी डिफेंडिंग पे कौन होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, ये पता चलेगा आपको लाइनअप्स के बाद। तो अभी आप किसी को भी सेव कर लो, अभी आप ऐसा कीजिए ना, अभी आप ना डब्ल्यू जोंग को सेव कर लीजिए, क्योंकि डब्ल्यू जोंग और एच एन ये दोनों बहुत मेन फोर्थ डिफेंडर्स हैं। और बात करें गोल कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर एक प्लेयर है एमयूए का जिसका नाम है किटी पोंग। किटी पोंग ने आज तक जेएनबी टीम को फेस नहीं किया, और ना ही जेएनबी के कई मेन खिलाड़ियों ने ना आज तक एमयूए को फेस किया है, ठीक है, क्योंकि ये कोरिया की टीम है और इसकी कंट्री मैं भूल गया यार, एमयूए पता नहीं कौन सी कंट्री से खेलती है, नाम नहीं आ रहा, इनकी कोई लीग है हिलनक्स लीग करके। और बात करें कैप्टन की, कैप्टन जो मेरा है दैट वाज एच रोड्रिगेस डा, और वाइस कैप्टन एडिंग्रो ओलिविया। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।